The latest on the death of a seer that took place and sent shockwaves over the alleged suicide, which is now being investigated, of the seer Narendra Giri. And now the note that was left by him mentions regular harassment by three people. And he also said in this note that was found in his room where he was found hanging, that my samadhi should be near my guru's samadhi. The note names the seer's close aide, Anand Giri, who has been arrested, remember, as well as two other aides have been arrested. So this is the purported suicide note. Let's go across to NDTV's Kamal Khan, who is there. And Kamal, have the last rites or the samadhi taken place, but also the post-mortem took place today. And now all these details are emerging of the note, the very lengthy note that was left in his room. अभी उनकी जो शव यात्रा है वो संगम पे आई है. यहाँ पे कुछ धार्मिक तरीकों से कुछ स्नान वगैरह होगा, उसके बाद वापस बाघम्बरी मठ जाएगी जहाँ पे उनके लिए समाधि तैयार कर दी गई है, जहाँ पे उनको समाधि दी जाएगी. उनका पोस्टमार्टम हो गया है. कुछ सोर्सेज अनऑफिशियली ये बता रहे हैं कि हैंगिंग से उनकी मौत हुई है और विसरा जो है प्रिजर्व कर लिया गया है, वो आगरा लैब में भेजा जाएगा जांच के लिए. उनका जो नोट है उसमें आनंद गिरी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कोई उनकी पिक्चर शायद वो मॉर्फ्ड करके उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, फोटोशॉप करके, जिसमें उनको किसी लड़की के साथ दिखाया गया है और इससे उनकी बदनामी होगी, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं. लेकिन एक हैरत की बात इस बात में ये है कि नरेंद्र गिरी इस देश के 13 अखाड़ों के हेड, लाखों साधु उनके अखाड़ों में आते हैं. वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को जानते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जानते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ योगी को, यूपी को जानते हैं. तो कोई इतना पावरफुल शख्स जिसके पास इतने लोग आते हों, तमाम बड़े ऑफिसर्स आके उनके चरण छूते थे, अगर उनको किसी से कोई खतरा था तो वो उसकी जानकारी उनको दे सकते थे और उसको पहले से रुकवा सकते थे. उन्होंने सुसाइड क्यों की, ये बहुत हैरत की बात है. लेकिन शायद सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है उनकी पाई गई होगी, तभी ऑफिशियल चैनल से उसको मीडिया को रिलीज किया गया है. तो ये बड़ी बात है कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने बदनामी के डर से सुसाइड कर ली. उसको रोकने के लिए भी वो लोगों से बात कर सकते थे. वो चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, DGP से, इलाहाबाद के पुलिस ऑफिसर्स से बात कर सकते थे. और बहुत सारे उनके जो जानने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, इसकी जाँच होनी चाहिए. और गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी पूरी जांच होगी और जो भी चीज सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. तो कमाल, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन जो आनंद गिरी है जिनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने भी कहा है कि ये कोई कंस्पिरेसी है, कि ये मर्डर है. और ये बहुत लंबा उन्होंने सुसाइड नोट जो छोड़ा था, आपने कहा कि ये जो पिक्चर्स के बारे में उनको क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था, और काफी टेंशन में रहे होंगे जो इंडिकेशंस है इस पूरे मामले से. हाँ, देखिए, आनंद गिरी उनके ऊपर पहले एक मर्डर का भी चार्ज लगा रहे थे. कुछ साल पहले उनके नरेंद्र गिरी के एक शिष्य ने जो मठ की प्रॉपर्टीज है उसको बेचने के ऊपर सवाल उठाए थे. आनंद गिरी भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कि मठ की प्रॉपर्टी कोई 40 करोड़ में उन्होंने किसी को बेच दी है, और जबकि वो बेच नहीं सकते हैं मठ की प्रॉपर्टीज. एक शिष्य और कह रहा था, वो शिष्य भी 2 साल पहले वहां मठ में मरा हुआ पाया गया था, उसको गोली लगी थी. पुलिस का ये कहना था कि वो डिप्रेशन में था, उसको बीमारियां थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया है. आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या जो है वो नरेंद्र गिरी ने कराई थी. तो आनंद गिरी उनके बहुत करीबी शिष्य थे, और जब वो टीनेजर थे तब उनको नरेंद्र गिरी कहीं से कहा जाता है कि हरिद्वार के किसी आश्रम से लाए थे, और ये माना जाता था कि आनंद गिरी ही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे. तो आनंद गिरी को सबसे ज्यादा जानकारी मठ के बारे में और मठ के कामों के बारे में है. पुलिस उनसे इंटरोगेशन करेगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बशर्ते कि चूंकि एक इतने बड़े मठ और इतने बड़े स्वामी से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस उन चीजों को पब्लिक करना चाहेगी, नहीं पब्लिक करना चाहेगी, ये बड़ी बात है. लेकिन सही जानकारी आनंद गिरी से इंटरोगेशन में ही सामने आएगी.